हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ की हिंदी किताब रिमझिम का सेकेंड चैप्टर, फसलों के त्योहार। तो ये चैप्टर ज्यादा लंबा होने की वजह से इस चैप्टर को हम दो भाग में पढ़ेंगे। आज हम पेज नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे हाथ तापते हुए गुजर जाता था। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ तो सूरज के इंतजार में आंस लगाए बैठे हुए है। पूरा 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो खिचड़ी के समय, तो अभी तक तो गर्माहट की शुरुआत हो जानी चाहिए, गर्मी की शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन अब तक वो लोग बोरसी के आगे बैठकर ही अपने हाथ तापते हुए, अंगीठी के आगे बैठकर अपने हाथ तापते हुए उनका सारा दिन गुजर जाता है। 10 दिन हो गया सूरज का इंतजार कर रहे हैं, सूरज में वो गर्माहट नहीं है। सूरज निकल तो रहा है लेकिन उसमें उतनी, उसकी धूप में इतनी तेज नहीं है, तो इसीलिए वो बैठ के 10 दिन हो गया सूरज का इंतजार कर रहे हैं। सूरज भी 10 दिन से गायब है। तो आज सुबह उन लोगों का रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों का रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। बाहर देखने से समय का भी अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहर सूरज नहीं निकला था, सूरज की तपिश नहीं थी, तो सूरज की किरण भी ज्यादा तेज नहीं थी। इस वजह से वो, उन्हें लगा नहीं कि सूरज निकला हुआ है, और चारों ओर कोहरा भी छाया हुआ था, इस वजह से समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। लेकिन रह रहे के चापाकल के चलने की और पानी के गिरने की आवाज उनके कानों को सुनाई दे रही थी। चापाकल मतलब बोरिंग मारने के पानी गिरने की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। तो इससे उन्हें लगा कि अब तो बाहर निकल जाने में ही भलाई है, और अगर हम ज्यादा देर तक सोए रहे तो घर में डांट भी पड़ सकती है हमें। उतने में तभी एक आवाज सुनाई दी, आज ये लोगों के उठे के नाइके का, तभी एक आवाज सुनाई दी कि आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, जा भाग के देख केरा के पत्ते आए ला कि नहीं, जाओ भाग कर जाके देख के आओ केले के पत्ते अभी तक आए हैं या नहीं। तो ये सारी आवाजें सुनने के बाद अब उन लोगों को उठने में ही भलाई थी। नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था, खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कबो ना देखनी, सारा दिन कनक न दे। पापा के कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही थी। तो चाचा ने कहा कि इतनी ठंड तो खिचड़ी में हम पहले कभी नहीं देखे, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। चाचा सफेद चकाचक धोती और कुर्ता पहने हुए थे। पापा ने भी कहा कि आज ठंड बहुत ज्यादा है, शायद उन्हें धोती पहनने की वजह से ठंड ज्यादा लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल। तो दादी भी उनकी नहा धोकर एक सफेद सी साड़ी पहनकर, खादी की साड़ी जो हाथ से बनाया जाता है, सूता काटकर बनाया जाता है, उसकी साड़ी पहने हुए, सफेद साड़ी पहने हुए वो भी बैठे हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हुए थे, इसलिए दादी के बाल बहुत मुलायम और रेशमी सफेद बाल उन्हें चमकीले नजर आ रहे थे। आज दादी बिल्कुल उनकी धुली धुली नजर आ रही थी उन लोगों को। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल मीठा गुड़ चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे। हमें बारी बारी उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उसने सभी चीजों को एक जगह पर इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो जब घर के सारे लोग उठ गए, नहा धोकर तैयार होकर एक रूम में इकट्ठा हो गए, दादी भी वहां पर बैठी हुई थी, तो उन सारे लोगों के सामने एक एक केले के पत्ते रखे गए। उन केलों के पत्ते में कुछ मीठा भी रखा हुआ था, तिल मीठा गुड़ और चावल रखा हुआ था। तो बारी बारी करके घर के जितने भी सदस्य, उन सबको एक एक बार करके छूकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर दिया तो उसे अलग से साइड में रख दिया गया, ताकि वो सारी चीजें दान में दे दी जाए। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, और आज तो फरमाइश से नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है
तो आज उनकी दीदिया दीदिया मतलब बड़ी बहन, आज उनकी अप्पी दीदी बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि अप्पी दीदी को चूड़ा दही बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही उन्हें खिचड़ी खाना पसंद है। लेकिन अब तो खिचड़ी का पर्व चल रहा है, त्योहार था उस दिन, तो इस वजह से अब उनकी फरमाइश वाला नाश्ता नहीं मिलेगा। आज जो भी घर में बना होगा अप्पी दीदिया को वही खाना पड़ेगा। गुड़ और चीनी को बड़े चाव से खाया, खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। गुड़ और चीनी के तिलकुट, जो बिहार की एक फेमस मिठाई है तिलकुट, गुड़ और चीनी और तिल से बनाई जाती है। तो वो मिठाई खाते खाते उसने मन में सोचा कि आज ये खिचड़ी बहुत अलग है, बचपन में जो खिचड़ी हम मनाते थे उससे ये खिचड़ी बहुत ही अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी के सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। तो जब वो स्कूल में रहते थे तो उनकी खिचड़ी कुछ अलग ही मनाई जाती थी। सारे बच्चे नदी किनारे जाकर बालू में खेलते थे, वहां पर पतंग उड़ाते थे, उनके स्कूल के सारे बच्चे इकट्ठा जाते थे, साथ में उनके गुरुजी भी होते थे। वो सारे लोग, जब बच्चे थोड़ा बहुत काम में मदद भी कर देते थे, जब वो लोग इकट्ठा बैठकर खिचड़ी बनाते थे तो वो कुछ मटर कुछ प्याज वगैरह भी बच्चे छिल देते थे, फिर गुरुजी और बाकी सारे लोग खिचड़ी को बनाने में वहां पर बिजी हो जाते थे, तो बच्चे वहां की बालू में दौड़ते थे, पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे या फिर पतंग उड़ाते भी थे। इस तरह से वो जब स्कूल में थे तो इस तरह से खिचड़ी मनाते थे, तो उन्हें बड़ा मजा आता था इस खिचड़ी मनाने में। लेकिन अब जो वो खिचड़ी का पर्व मना रहे हैं वो बहुत ही अलग है, क्योंकि वो सिर्फ घर पर है, कहीं बाहर भी नहीं गए, घर में पूजा हुई, पूजा में उन लोगों ने शामिल हुए और खिचड़ी का पर्व कुछ नई मिठाइयां खाकर खत्म हो गया। लेकिन जब वो स्कूल में थे तो खिचड़ी इस तरह से नहीं मनाई जाती थी उनकी। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े कई ना कई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी महीने से के बीच से स्टार्ट होकर लगभग भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते थे। फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसलें तेजी से बढ़ेगी। तो कुछ लोग इस बात से खुशी मनाते हैं कि अब उनका फसल अच्छे से उगेगी, फसलों में तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांत सभी इलाकों में रंग और अपना ढंग नजर आता है। खिचड़ी के पर्व में अलग अलग जगहों को पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से खिचड़ी का पर्व मनाते हैं। उनका रंग ढंग इन्हें मनाने का तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इसे बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है, आसाम में बिहू के नाम से, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। तो इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसे मनाने का तरीका भी उन लोगों का अलग होता है और इसके नाम भी अलग अलग होते हैं। इन्हें जनवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक में मनाया जाता है। जनवरी के महीना स्टार्ट होने के बीच से स्टार्ट होता है ये मकर संक्रांति, अलग अलग जगहों पे ऐसे मनाते मनाते अप्रैल तक ये पहुंच जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग तरीके से मनाती है। सांथल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं और औरव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो अलग अलग जनजाति के लोग इसे अलग अलग तरह से मनाते हैं। जैसे कि सांताल लोग इसे फरवरी और मार्च में मनाते हैं, औरव लोग इसे मार्च और अप्रैल के बीच में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर इस दिन प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं और उस दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं, तो इसी समय साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं और इसी समय पूजा भी की जाती है।
मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं, तो इस समय मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर नाचते और गाते। अगर पेज नंबर 13 और 14 में बच्चों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 15 और 16 पढ़ेंगे। बाय एंड टेक केयर बच्चों।